आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीएससी के द्वारा पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको सीएससी लॉगिन करना है। यहाँ सर्विसेज पे आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे पैन, यहाँ पैन कार्ड सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एग्री करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लियर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई न्यू पैन पे आएंगे, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ फिजिकल पैन चूज कर लेंगे, यहाँ से पैन टाइप चूज कर लेंगे, इंडिविजुअल लेंगे, या वेदर कैटेगरी पूछ रहा है इसको नो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सिर्फ पैन कार्ड ईमेल पे चाहिए या फिर दोनों चाहिए, हम दोनों चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टाइटल चूज कर लेंगे, कुमारी श्री या श्रीमती, यहाँ लास्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे या मिडिल नेम कोई है तो डालेंगे, उसी टाइप से यहाँ कार्ड नेम आ जाएगा। अगर आपका कोई अदर नेम है तो यस पे क्लिक करेंगे और नो पे रहने देंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ से एड्रेस चूज करेंगे, यहाँ स्टेट चूज करेंगे, यहाँ स्टेट फिल लेंगे, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस स्टेट चूज करेंगे, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे, आधार नंबर है तो फिल करेंगे, वरना यहाँ इनरोलमेंट आईडी फिल करेंगे, यहाँ नाम फिल करेंगे, अपना नाम डालेंगे आधार के अनुसार, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको पहले हम भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आईडी चूज करेंगे कि आप कौन चीज से आधार बनाना, ये पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, यहाँ हम आधार चूज कर लेते हैं, इसमें भी हम आधार कार्ड चूज करेंगे, इसमें भी हम आधार कार्ड चूज करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सीएससी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ वॉलेट पिन डालेंगे, उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ लाके छोड़ेगा, हम इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एक मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ एक ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद यहाँ से नो पे टिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मदर नेम चाहे तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद कार्ड पे किसका नाम लेना चाहते हैं वहां से सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मुझे कार्ड में अपना फादर का नाम चाहिए तो यहाँ फादर नेम सेलेक्ट कर लिया हूँ। के बाद आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ लाके छोड़ेगा, हम यहाँ अपना रेजिडेंटल एड्रेस डालेंगे, यहाँ ऑफिस एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ इनकम सोर्स चूज कर लेंगे, जैसे कि मेरा कोई इनकम नहीं है, नो इनकम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे, इसको डाल के यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। चलिए पहले हम डाल देते हैं, उसके बाद हमें यहाँ लाके छोड़ेगा, हम इसको ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिल होके आएगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ से हिमसेल्फ हरसेल्फ चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ वेरीफायर का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ से वेरिफिकेशन प्लेस डालेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम सब डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ ला करके छोड़ेगा, इसको प्रिंट करके हम कस्टमर को दे सकते हैं और यहाँ से प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो मेरा फॉर्म डाउनलोड होगा। उसके बाद हमें इस फॉर्म को प्रिंट करना है, ये डाउनलोड में डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ एक फोटो चिपकाएंगे, यहाँ भी एक फोटो चिपकाएंगे, इसके बाद यहाँ कस्टमर का सिग्नेचर लेंगे, कस्टमर का यहाँ सिग्नेचर लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ भी कस्टमर का सिग्नेचर लेंगे, उसके बाद इसको हम अपलोड कराएंगे। चलिए पहले इसको सिग्नेचर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। उसके बाद स्कैन करके पीडीएफ में सेव कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पीडीएफ में सेव कर चुके हैं, आपको दिखा देते हैं, ये रहा फर्स्ट पेज, इसी तरह फोटो चिपका हुआ सिग्नेचर कर लेना है, नीचे आइएगा, ये रहा सेकंड पेज, यहाँ सिग्नेचर कर लेना है, साथ में यहाँ आधार कार्ड अटैच कर लेना है, उसके बाद अब हम अपलोड करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम पे आना है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ अप्लाई न्यू पेन पे आएंगे, यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके सामने यहाँ नाम आ जाएगा, उसके सामने यहाँ क्रॉप इन अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से फाइल चूज करेंगे,
फाइल को चूज करने के बाद यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ ला करके छोड़ेगा, हमें यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम पहले यहाँ फर्स्ट वाला पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम फोटो को क्रॉप कर लेंगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फोटो के ऊपर क्लिक करके घिस के उसको यहां ला करके छोड़ देंगे, यहां आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, पहले सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे यहां से। उसके बाद क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ से घींच के ला करके यहाँ सिग्नेचर पर रख देंगे। उसके बाद अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। वेल डन, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना पे हो गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।